तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ध्यान शंकर और आप देख रहे हैं ध्यान शंकर का यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग बैठे हैं फरकाबाद जंक्शन पर और सर भी हैं और हम भी हैं साथ में। तो अभी हम लोग अपनी ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे हैं और इधर घूमने आए थे, तो हमने सोचा क्यों ना आपको फरकाबाद जंक्शन दिखाई जाए, क्यों सर? सही बात। इसीलिए तो ये पीछे आप देख पा रहे होंगे हमारे, काफ़ी बड़ी जंक्शन है, काफ़ी सही है। फिर तो चलिए आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। तो देखिए ये है नज़ारा भाई साहब फरकाबाद रेलवे स्टेशन का, और ये सामने मालगाड़ी खड़ी हुई है और ये इधर आप लोग देख पा रहे होंगे ये इतनी बड़ी दूर दूर तक के नज़ारे। और ये देखिए भाई साहब कतई मौज ही मौज है यहाँ, तो यार मज़ा आ भी गई हो। तो दोस्तों इस जंक्शन पर काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म बन गए हैं, 6-7 करीब, दो सामने रहे और दो इधर ये रहे और इधर दो ये पीछे हैं। तो अभी फ़िलहाल दिन है इसीलिए काफ़ी सारी भीड़ भी नहीं है और इतना सारा मज़ा भी नहीं आ रहा होगा। तो ऐसा लग रहा है कि अंशुल पाजी कुछ ला रहे हैं खाने के लिए, समोसा। तो चलिए समोसे खाते हैं बैठकर कहीं। तो यहाँ पर ये पता पूछ रही हम लोगों से, तो पता बता रहे हैं अंशुल पाजी। तो समोसा आ चुके हैं, आप खा लीजिए, हम लोग खा ले, की बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग का दो समोसा के बारे में चल के यहाँ, तो अभी हम लोग खाना स्टार्ट कर रहे हैं। समोसा देख रहे कैसी है? तो ये इंडियन रेलवे के समोसे हैं, देख सकते हैं आप कितने। तो चलिए खाते हैं। गर्म है, धुआं दे रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग चटनी के साथ क्यों नहीं खा रहे, चटनी मिलती ना है, चटनी मिलती नहीं है ये रेलवे, यहाँ पे चटनी अपने घर से बांध कर लाई है आप। आज इतनी भीड़ नहीं है, सर्दी की वजह से भीड़ नहीं है। एक बार और हम लोग आए थे रात में, वो दिन हम लोग नहीं भूल सकते। अभी आपको मालगाड़ी दिखाएंगे कैसे मालगाड़ी। तो दोस्तों अगर कोई आपसे हेल्प मांगता है अगर प्लेटफॉर्म पर, तो आपको हेल्प कर देनी चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए कि शायद वो खराब इंसान है, क्यों? सही बात है। इसलिए तो वो जो आंटी हैं वो हम लोगों से नंबर लगवा रही हैं अपना, तो वही लगा रहे हैं अभी ढूंढ कर। तो कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि शायद वो मेरा फ़ोन लेकर भाग जाएगा, ज़्यादा हो तो इसका हाल पकड़ लो, लेकिन मना ना करो। अरे यार क्या पता आदमी किस मजबूरी में हो। तो दोस्तों अभी भैया जी कचरा डालने के लिए जा रहे हैं कूड़ेदान में, तो कृपया कचरा कूड़ेदान में ही डालें। आप लोग पढ़े लिखे, आप लोग पढ़े लिखे होते हुए भी अगर ऐसा काम कर रहे हैं कि जहाँ तहीं फेंक रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत बात। तो दोस्तों पुल सरकार ने इतना खर्चा करके ये बहुत ही शानदार पुल बनवाया है, लेकिन लोग इसका यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट पटरी से क्रॉस करते हैं, ये कहीं ना कहीं गलत बात है और हो सकता है कि हादसा भी हो जाए आपके साथ। तो इसीलिए इस पुल का यूज कीजिए यार, इतना खर्चा लगा किया है सरकार, तो इसे यूज करना तो बनता है फर्ज हमारा। बस ये है कि हमको इसमें चढ़ने प्रॉब्लम बहुत होती है, चढ़ गए।